कि जिंदगी ये सफर है सुहाना, इसमें कल क्या हो किसने जाना। तो भाई जी किसी का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, समय बहुत ही बेकार है। तो दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल के साथ हुआ है, आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो पुराना वीडियो जाके देखें। हमारे चैनल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आज हम पुनः उसी स्थिति में आ गए हैं जिस स्थिति में हम जगे थे, यानी कि 2 साल पहले जिस स्थिति में थे हम, उसी स्थिति में हम आज आ चुके हैं। YouTube ने हमें ऐसा झटका दिया है कि भाई साहब क्या बताया आपको, कि अब YouTube पे वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है, ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं करता। बट यार इतनी मेहनत करी थी, अब वो पता है हमारे सब्सक्राइबर कितने हुए थे, 15,000 16,000 के करीब होने वाले थे। लेकिन जैसे YouTube ने मैसेज भेजा कि आपकी मोनेटाइजेशन कैंसिल की जाती है, ऐसा झटका लग गया तगड़ा वाला। और ऐसा झटका लगा कि यार अब मन ही नहीं करता वीडियो डालने का। बेटा ये देखिए, इसको भी टेंशन है कि मोनेटाइजेशन कैंसिल हो गया है हमारा। तो भाई क्यों हुआ था, इस वीडियो में आपको बताऊंगा हमारा मोनेटाइजेशन क्यों कैंसिल हुआ था। तो उसके पीछे कारण था कि एक IPL का वीडियो था, IPL का एक वीडियो था, वो मैंने डाल दिया था शॉर्ट के रूप में। और जैसे ही वो वीडियो डाला वो वायरल, बहुत भयंकर वायरल हो गया था। 2 दिन में 35 लाख के आसपास व्यूज उसके आ गए थे। तो अच्छा खासा वीडियो वो चल रहा था, तो वो फिर वो उन्होंने अब YouTube की पॉलिसी भी, तो देखो आप कुछ ऐसे गाने डालते हैं अपन तो उसमें कॉपीराइट तुरंत दे देता है, आप उसको प्राइवेट करोगे पब्लिक नहीं करोगे तो कॉपीराइट उसको हटा देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें बेटा कुछ भी नहीं दिया था, 2-5 दिन तक कुछ भी नहीं दिया और एकदम से स्ट्राइक ही दे दी सीधी, यानी कि हमारे चैनल पर स्ट्राइक दे दी और वो वीडियो YouTube ने डिलीट कर दिया। और उसके बाद में मोनेटाइजेशन कैंसिल करके कह दिया कि आपने रीयूज्ड कंटेंट इस्तेमाल करा है, यानी कि IPL ने उसमें टेक डाउन दिया था, स्ट्राइक दी थी कि ओनर उसका IPL ही था। तो IPL ऐसा भी करता है। तो हमारे साथ में बहुत बेकार किया, तो हमारे रीयूज्ड कंटेंट की वजह से ही लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई रीयूज्ड कंटेंट हम नहीं डालें, रीयूज्ड कंटेंट डालने से कुछ नहीं होता है। तो भाई जी उनकी गलत फहमी है, मैं इसका भुगत हूँ, क्योंकि मेरा चैनल रीयूज्ड कंटेंट की वजह से मोनेटाइज को डिसेबल कर दिया है। तो भाई आप ऐसा काम ना करें, रीयूज्ड कंटेंट या किसी और का क्रिएशन है उसको आप अपलोड ना करें, नहीं तो आप एक दिन झटका खा जाओगे और ऐसा झटका कि समझ भी नहीं पाओगे, है ना। तो भाई धन्यवाद दोस्तों, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आए, ताकि कल आपको मैं बताऊँगा वो प्रूफ सारा मेरे चैनल में कितना क्या था, वो सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, इंस्टीट्यूट विद द उन्नति ब्लॉग। थैंक यू।